नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शायद, जिसे लिखा है शिवानी जी ने। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नैनीताल से दिल्ली की बस यात्रा में तराई के बहुरंगी वैभव के अतिरिक्त कभी कभी बैठे बिठाए अच्छी खासी नौटंकी भी देखने को मिल जाती है। वैसे भी इस लंबी बस यात्रा में मारवाड़ी लहंगे सा घेर घुमावदार चील चक्कर 30-35 वर्ष का पूर्व परिचित होने पर भी मुझे नित्य नवीन लगता है। ऊंचे दैत्याकार पर्वतों के वक्ष पर उतरते हरे खेतों की सोपान पंक्ति, क्रमशः नीचे उतरती घाटी हर बार पेट की आंतों को ही अपने साथ नीचे नहीं उतारती, मस्तिष्क में संचित स्मृति में भी अनावश्यक उथल पुथल कर जाती है। प्रत्येक यात्रा की एक न एक स्मृति फिर ताजी हो उठती है। अचानक कब पर्वतों का वैभव छूट जाता है और कब किसी बालिका के सपाट पक्षस्थल से मैदान सहसा कपड़े के थान से खुलते चले जाते हैं, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। फिर भी जितनी ही बार उत्तराखंड और तराई के इस अपूर्व संगम को देखती हूँ, उतनी ही बार मुग्ध हो जाती हूँ। जैसे जापान के कुशल चित्रकार अपनी तूलिका के एक ही स्ट्रोक का आधार लेकर अनुपम कलाकृतियों की सृष्टि करते हैं, वैसे ही अपनी तूलिका के एक ही मास्टर स्ट्रोक से शायद उस विराट शिल्पी ने इस स्वर्गीय सुषमा की सृष्टि की है। एक एक टेढ़े मेढ़े मोड़ के साथ यात्री सुराही नाश्ता दान किसी पूर्व निर्धारित योजना में बधे से लुढ़कने लगते हैं। जानी पहचानी सी पोटलियां, बीड़ी सिगरेट का कड़वा धुआं, ड्राइवर का पहाड़ी पट्टू का कोट, किसी सरला कुमाऊनी माता से उसके वय संधि पर खड़े किशोर बालक की संदेहात्मक उम्र को लेकर कंडक्टर की पहाड़ी मिश्रित हिंदी में लंबी बहस, सब कुछ ठीक वैसे ही होता चला जाता है जैसे आज से 25 वर्ष पूर्व हुआ करता था। काठ गोदाम से नीचे उतरने पर नक्शा थोड़ा बहुत बदला अवश्य मिलता है, फिर भी मुझे सारे रोडवेज के स्टेशन एक ही सूरत के जुड़वा भाई बहनों से लगते हैं। एक ही से बुक स्टॉल में सजी विभिन्न सस्ते कलेवर की रंग बिरंगी लाल सुंदरी, मेरी प्रेमिका, खूनी पंजा, सुहागरात आदि सस्ती पुस्तकें कोठे वालियों की ही भांति अपने कटाक्षों से मनचले ग्राहकों को खींचने लगती हैं। यही नहीं, मुझे तो हर स्टेशन के ढाबे, उनके मालिक, गंदी निक्कर और बनियानधारी चकले से चेहरे वाले छोकरे, नौकर सब एक ही शक्ल सूरत के लगते हैं। फिर भी इस यात्रा का अपना अनोखा आकर्षण है। राजनीतिक नेता से लेकर चलचित्र की किसी लोकप्रिय तारिका के जीवन की अंतरंग झांकियों का आंखों देखा हाल केवल इसी यात्रा में मिल सकता है। नए नए जोड़ों के हाथ में बजते ट्रांजिस्टर, बाजार भाव से लेकर संसद समीक्षा एक सांस में उगलते चले जाते हैं। रामगंगा पुल के पास सदा मुंदे कपाट, जो शायद बद्रीनाथ मंदिर कपाटों की ही भांति वर्ष में केवल 3 ही महीने खुले रहते हैं, बस यात्रियों को कभी कभी बेहद उबा देते हैं। पुल पर घंटों तक एक से एक बदसूरत रंग उड़ी बूढ़ी अधेड़ मालगाड़ियां कछुए की गति से रेंगती चली जाती हैं, तो जी में आता है कंधे पर उठाकर उन्हें दूर पटक दिया जाए। मुझे तो लगता है कि इस मालगाड़ी प्रदर्शनी और खोमचे वालों की बिक्री में कहीं न कहीं कुछ साठ गांठ अवश्य है। बस के दोनों ओर विराट कड़ाही में तैरती हरी मिर्च और प्याज की पकौड़ियों की मनोहारी सुगंध की गोलाबारी के फलस्वरूप अधिकांश बस यात्रियों के संयम दुर्ग को कई बार भरभराकर ढहते देख चुकी हूँ। देखते ही देखते ठेले वालों का ठेला रिक्त हो जाता है। उधर एक के बाद एक 10-10 गज की मालगाड़ियां पुल के फाटक को बड़े सधे चातुर्य से बांधे रखती है। अचानक दंत मंजन, पाचक चूर्ण और सुरमे की हरी गुलाबी पुड़ियों से भरी ट्रे गले में लटकाए एक दो ढीठ बिसाती संगीत मुखर व्याख्या की शहनाई छेड़ देते हैं। कभी कभी पीछे की सीट पर बैठे किसी पोटलीधारी यात्री का बेचने वालों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर वहीं पर दंत मंजन कर या पाचक लक्कड़ हजम, पत्थर हजम की पंखी मार तत्काल अपने कंधे पर हींग मिश्रित डकार की धुनाली दागते देख सिहर भी उठी हूँ। पर फिर भी मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं होता कि यह बस यात्रा कुछ अंशों में निश्चय ही रेल के वातानुकूलित डिब्बों की यात्रा से भी कहीं अधिक रोचक लग सकती है।
अब रेल के फर्स्ट क्लास में चटपटी चाट का दोना चाटने की या कुल्हड़ के चाय की चुस्कियां लेने की स्वच्छंदता का प्रश्न ही नहीं उठता। उस पर इस बस यात्रा में कहीं नैनीताल से लौट रहे एक आध सन की हनीमून का जोड़ा मिल गया, तब तो अच्छी खासी नौटंकी ही देखने को मिल जाती है। क्षमा कीजिएगा, मैं उसी नौटंकी का उल्लेख करते करते कथा सूत्र की भूमिका ही में अचानक उलझ कर रह गई। मार्च का महीना होने पर भी मौसम आश्चर्यजनक रूप से ठंडा था। मैं कुछ पहले ही आकर बस में बैठ गई थी। पीछे कौन कौन बैठा है, कितनी भीड़ है, यह सब देखना वैसे भी तो अच्छा नहीं लगता। उस पर किसी कंठ स्वर को सुनकर उस अनदेखे व्यक्तित्व के चेहरे मोहरे या पेशे का अंदाज लगाना और फिर चेहरा सामने आने पर अपने अनुमान का ठेला ठिकाने पर लगा पाकर मुझे कभी कभी अपनी निशानेबाजी की सफलता पर बड़ा गर्व भी होता है। ठीक मेरी ही सीट के पीछे एक 10 दिन का बासी जोड़ा बैठा था। 10 दिन का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नवेली बचकाने स्वर में पिछली 26 फरवरी की अपनी विवाह तिथि का निरंतर ऐसा सस्वर पाठ कर रही थी कि मुझे ही नहीं, शायद ड्राइवर कंडक्टर को भी वह तिथि रट गई थी। यह नई जोड़ी बेहद चटोरी थी। हर स्टेशन पर वह नवेली, नई टरलिन का सूट और एक सस्ते नगीने की अंगूठी को चमकाते अपने पति को कुछ न कुछ लाने हंसती खिलखिलाती ठेल रही थी। और वह ठीक ना हंसमुख व्यक्ति टुमकता एक ना एक दोना लिए चला आ रहा था। उसकी रसिक प्रिया अपनी मीठी हंसी से उसका स्वागत करती और खिड़की से 2 मेहंदी रची हथेलियां चमकाती दोना थाम लेती। हंसी का स्वर सुनकर ही मुझे लगा था कि इसकी बचकानी खनक और मिठास दोनों ही में सैकरीन किसी बनावटी मिठास है। निश्चय ही यह सैकरीन की छुरी से काटकर मीठा बनाया गया फीका खरबूजा निकलेगा। मेरा अनुमान ठीक था। वह नीचे चहलकदमी करने उतरी तो मुझे उस मूर्खा पर बेहद तरस आया। ऊंची एड़ी और पेंसिल से बनाई गई ऊंची भवों को लाख ऊंचा उठाने पर भी बेचारी जीवन भर कभी अपने व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठा पाएगी। बड़ी देर तक अपने बाप के लिए ट्रांजिस्टर पर उल जुलूल फिल्मी गानों के साथ स्वयं बेसुरे स्वर में गुनगुनाती वह शायद सो गई थी। मैंने चैन की सांस ली भी न थी कि एक धक्के के साथ बस रुक गई। सामने बैलगाड़ियों का एक लंबा जुलूस चला आ रहा था और जैसा कि प्रायः होता है, इन गाड़ियों के जिद्दी बैल भी ड्राइवर के लंबे तीखे हॉर्न को अनसुना कर सींग ताने मस्तानी चाल से झूमते ड्राइवर की छाती में सीधे धसे चले आ रहे थे। गाड़ीवान तड़ातड़ बैलों की चमड़ी उधेड़े जा रहा था, पर वे निर्विकार मुद्रा में एकदम सीध में चले आ रहे थे। ड्राइवर ने 3-4 कदर गालियां देकर जो ब्रेक लगाया, उसके लिए यात्री प्रस्तुत नहीं थे। मेरी दाहिनी ओर बैठे एक दूसरे जोड़े को इसी झटके में मैंने पहली बार देखा। यह भी कैसा बेमेल जोड़ा था। टसर की हरी साड़ी, सफेद हीरे के तीर सी छोड़ती अंगूठी और लाल कर्ण फूल पहने उस सांवली प्रौढ़ा में नववधु के कोई भी लक्षण नहीं थे। फिर भी वह नववधु ही थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। बार बार वह अपने सुदर्शन पति के चौड़े कंधे पर नींद के झकोलों में लुढ़कती जा रही थी। जब नजर उठती, दोनों के सिर एक दूसरे से बड़ी बेहयाई से भिड़े ही दिखते। पैरों के पास धरे सूटकेस पर अंग्रेजी का छपा एक सुंदर कार्ड झूल रहा था, सद्य विवाहित। इस विज्ञापन की क्या आवश्यकता थी, कुछ समझ में नहीं आया। दोनों बीच बीच में अंग्रेजी में बोलते जा रहे थे। विवियन, तुमने अब तक एक भी सैंडविच नहीं खाई। उसका पति एक बादामी खूबसूरत लंच बास्केट गोद में रखकर बड़े लाड़ से अंडे से भरी मोटी सैंडविच विवियन के होठों तक ले जाकर स्वयं गप से खा गया। विवियन ने पति के इस अन्याय पर मोटी कमर और मोटी गर्दन हिला हिला कर माननीय नायिका का जो अभूतपूर्व अभिनय किया, उसे न चाहने पर भी देख कर मैं खिसी आ गई। छी छी, यह सब करने की कोई और ठौर नहीं जुटी इन्हें। विवियन के अंग्रेजी उच्चारण और सूरत दोनों में दक्षिण की स्पष्ट छाप थी। मोटे होंठ, मोटी चोटी और काले रंग में बिजली सी चमकती धवल दंत पंक्ति, सब मिलाकर वैसी ही छवि प्रस्तुत कर रहे थे जैसी मिशन अस्पताल की डॉक्टरनियों में देखने को मिलती है। पर उसका पति या तो कुर्गी था या कश्मीरी। गोरा रंग, भरा भरा शरीर, लाल अंगूरी गाल और धूप के चौड़े फैंटम चश्मे के ऊपर
कम से कम एक बलिस्त चौड़ा ललाट। वह एक लाल नीली पीली भड़कीली सी बाटिक की वैसी ही बुशर्ट पहने था जैसे जनपद पर घूमते बीसियों विदेशी पर्यटक पहना करते हैं। उसकी चौड़ी कलाई पर घने सुनहले पश्मों पर चमकती सूर्यमुखी के फूल सी चौड़ी घड़ी एक नए ही आकार की थी, जिसे वह बार बार अधैर्य से देखता कहता जा रहा था, उफ, बड़ी लंबी उबाने वाली यात्रा रही। विवियन पता नहीं दिल्ली कब आएगी, पर विवियन को सोने से फुर्सत कहाँ थी। एक तो बस में सोने की तो दूर, पैर लंबे करने की भी व्यवस्था नहीं होती। उस पर विवियन को देखकर लग रहा था कि वह घर से नींद आने की कई गोलियां एक साथ निकल कर आई थी। उसका माथा हंडे सा नींद में झूमता, कभी दाईं ओर लुढ़कता, कभी बाईं। अचानक जगकर वह खिसियाकर इधर उधर देखती और फिर पति के कंधे पर सिर रखकर सो जाती। विवियन के पति का चेहरा अब मुझे स्पष्ट दिख रहा था। बार बार मुड़ मुड़कर किसी पुरुष को देखना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं अपने को रोक नहीं पा रही थी। कैसा जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा था, फिर कहां उसे देख सकती थी भला। न मायके में ऐसा कोई व्यक्ति था, न ससुराल में, पर बोलने का ढंग, हाथ की बनावट, मांसल कंठ की हास्य लहरी, सब कुछ सर्वथा अपरिचित होने पर भी यह अनजान व्यक्ति क्यों मेरी प्रखर स्मरण शक्ति को चुनौती दे रहा था। फिर कौन हो सकता है यह, मैंने मन ही मन एक बार फिर अपने भाई बहन देवर जेठ सबके आत्मियों की काल्पनिक हाजिरी ली और कनकियों के गुप्तचर विभाग को सतर्क किया। विवियन ने अपने चौड़े पंजे में पति की कलाई ऐसे पकड़कर जकड़ी थी जैसे बिल्ली चूहे को दबोचे हो। सोने में उसके नीग्रेस के से मोटे होंठ खुलकर लटक गए थे। उफ, क्या देखा होगा इस सुदर्शन कार्तिकेय से व्यक्ति ने इस काली भुजंगिनी में। पर पुरुष कब किस स्त्री में क्या देखकर फिसलता है, इसका कुछ ठिकाना है। मेरे अनुमान का ढेला अचानक ठिकाने से लगकर टन से बोला। विवियन जग गई थी और अपनी मलावारी केले सी मोटी अंगुलियां चटकाती अपने पति से कह रही थी, खूब नींद आई डार्लिंग, सब थकान दूर हो गई। पर दिल्ली पहुंचते ही दो तीन उल्टे सीधे केस हमारे हनीमून का भरता बनाकर रख देंगे, फिर तुम भी कल भिलाई चले जाओगे। हाय, मैं कैसे रहूंगी। अच्छा, तो वह डॉक्टर नहीं ही थी, पर मुटल्ली के लाचरम धो धाकर पी गई थी। बस के 37 यात्रियों के सम्मुख ही उसने संभावित विदा बेला के गहवर में पति की चौड़ी कलाई को चटकारे के साथ छुपकर चूम लिया। एक बार जी में आया पिछली सीट पर बैठ जाऊं, क्योंकि 26 फरवरी वाला जोड़ा गढ़गंगा में ही उतर गया था, पर पिछली सीट पर तो नौटंकी और भी साफ दिखेगी, यह सोचकर मुंह फेर कर बैठ गई। मेरठ निकट आ रहा था और मेरठ में कुसुम आ रही थी। अचानक मेरा क्लांत शरीर और चित उत्फुल्ल हो उठे। एक साल से उससे नहीं मिली थी। अपनी उस स्वल्प भाषणी बाल्य सखी से संक्षिप्त संभाषण भी मेरे लिए सदा बड़े महत्व का रहता था। कुसुम विधवा थी, पर अपने वैधव्य के कृष्ण मेघ की छाया से उसने अपने जीवन आकाश को म्लान नहीं होने दिया था। अधूरी शिक्षा पूर्ण कर वह केवल अपनी योग्यता की बैसाखियां टेकती अब शिक्षा विभाग के एक ऊंचे पद पर पहुंच चुकी थी। वैसे जब वैधव्य के तक्षक ने उसे डसा वह केवल 18 वर्ष की थी, और जहां तक रूप का प्रश्न था उसकी गणना अब भी कुमाऊं की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों में की जाती थी। सौंदर्य से भी अधिक आकर्षण उसके स्वल्प भाषण और नाजुक गठन का था। उसकी चिकनी त्वचा किसी नवजात शिशु की हथेली सी आज भी उतनी ही नरम बनी थी जितनी आज से 25 वर्ष पूर्व थी। शायद वैधव्य काल की असंख्य एकादशियां जिनका वह बड़ी तत्परता से पालन करती थी, मिर्च मसाले रहित सात्विकी भोजन, विलास की छाया से भी अछूता एकांत निवास उस कमनीय चेहरे को और भी कमनीय बनाता चला गया था। गत वर्ष मैंने उसे इलाहाबाद में देखा, जब वह कुंभ यात्रा के मघी स्नान के लिए मेरे ही पास आकर ठहरी थी। संगम के नीलाभ जल में डूबी उस जल परी की अनुपम छटा को मैं स्त्री होकर भी आज तक नहीं भूल पाई हूँ। भागलपुरी इलायची रंग की भीगी साड़ी उसके सुडौल वक्ष स्थल की एक एक रेखा को उभार गई थी।
भीगे काले बालों की चिकनी लटों के छोटे छोटे कुंडल किरीट इधर उधर लटक आए थे। दोनों हाथों की लंबी अंगुलियों का अर्ध संजोए वह सूर्य को संगम जल की अंजलि दे रही थी। उसे तिल पात्र कराते वैष्णवी त्रिपुंडधारी पंडा महाराज की इस त्रिलोलुप आंखों से टपाटप लार टपकते देख मुझे मन ही मन हंसी भी आई थी। पर दोष क्या पंडा जी का ही था या उस देव दुर्लभ सौंदर्य का? सुस्वादु भोजन की सुगंध भला किसकी लार नहीं टपकाती? संयम और वैराग्य के तिक्त कटु औषधि पान से कुसुम की काया का अमृत प्राय सौंदर्य निश्चय द्विगुणित हो उठा था। पर कैसा आश्चर्य था कि जिसने यौवन की दहरी पर खड़ी होते ही एक बार ऐसी करारी ठोकर खाई थी कि लड़खड़ाकर लगभग गिर ही पड़ी थी। वह अब फूंक फूंक कर कदम रखना सीख गई थी। भूले से भी अब कोई उसकी ओर अंगुली नहीं उठा सकता था। ना उसे कभी किसी ने हंसते देखा था, ना इधर उधर बैठते। जब उसके साथ की अध्यापिकाएं एक दूसरे से निरर्थक लड़ती झगड़ती फिरती, वह अपने कमरे में बंद या भजन पूजन में डूबी रहती या इम्तहान की कॉपियां जांचती। शहर भर की विधवाओं का एक छोटा मोटा यूनियन भी था जो 3 मील दूर किसी गुहावासी स्वामी जी के प्रवचन सुनने सप्ताह में 3 दिन बड़े तड़के तिब्बती मैले सफेद पशम वाली भेड़ बकरियों के दल की ही भांति भेड़िया धसान को सार्थक करता मिमियाता चला जाता और दिन डूबे लौटता। कई बार मैंने अपनी खिड़की से उस दल को आते जाते देखा है, पर कुसुम मुझे कभी भी नहीं दिखी। अखंड रामायण हो या शहर के किसी बुजुर्ग की मृत्यु वेला पर आयोजित गरुण पुराण का पाठ, कुसुम कहीं नहीं दिखती। अपनी इस तटस्थता से उसने स्वेच्छा से ही शहर की विधवा मंडली से बैर मोल ले लिया था। कभी कभी वह मुझसे मिलने जरूर चली आती थी, पर जिस बाल्य सखी के जीवन के अंतरंग कक्ष में मैं वर्षों तक बिना झिझक घुसी चली जाती थी, अब मेरे लिए किसी जीर्ण प्राचीनी भव्य मंदिर का कक्ष बन गया था, जहां स्थापित अष्टभुजा की मूर्ति सी ही भव्य प्रतिमावत कुसुम मुझे सहमा भी देती थी, पर साथ ही उसकी उपस्थिति की स्निग्धता में घंटों डूबी मैं चुपचाप बैठी रह सकती थी। तारी माय डियर, होटल के दराज से चाबी का गुच्छा निकाल लिया था ना? विवियन के विवल कंठ स्वर से छूटा तीर सा प्रश्न सीधा मेरी छाती में धंस गया। तारी नाम के साथ साथ पारसी थिएटर के से अर्वाचीन काले आल्पा के भारी पर्दे सहसा उठ गए और वर्षों पुराने रंगमंच पर खड़े पात्र सजीव होकर स्पष्ट होते चले गए। मैंने फिर एक उड़ती दृष्टि का एक एक्सरे लिया। अब वह अपना चश्मा उतार चुका था, वह तारी ही था। अब इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं रहा, पर हे भगवान, यह क्या संभव था? यदि वह तारी था तो क्या अर्थी में बंधा मुर्दा भी करवट बदल सकता था? मैं खांसा और एक लंबी सांस खींचकर मैंने आंखें बंद कर ली। रेशमी पर्दे फिर उठ गए। जल्लाद पांडे के घर की खिड़की और हमारी छत के बीच एक अखरोट के पेड़ का व्यवधान था। अखरोट की दिगंत व्यापी शाखाओं और पत्तियों के तोरण की झिलमिल के बीच से हमारे सामान्य चेष्टा से ही हमें जल्लाद पांडे के कुबेर के से वैभव उधधि में मनचाही डुबकियां लगाने को मिल सकती थी। रंग उड़े फीके कालीन, जेल के कैदियों को चाबुक की मार से बुनवाई गई कमरों में दोहरी बिछी रंग बिरंगी दरियां या निवाड़ के मोटे टायर से मोटे मोटे चक्के और एक कोने में धरा हथकड़ियों और बेड़ियों का विशाल स्तूप। जल्लाद पांडे का नाम तो कुछ भला सा था, पर एक लंबे अरसे तक मेरठ में जेलर के महिमामय पद को सुशोभित कर वे अटूट संपत्ति की स्मृति का सहरा बांध समय से पूर्व ही अवकाश ग्रहण कर पहाड़ चले आए थे और उनके आने से पूर्व ही उनके विषय में कई दंत कथाएं प्रचलित हो गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि वे जेलर बनने से पूर्व मेरठ जेल के जल्लाद थे। उनकी निर्मम कार्य कुशलता से प्रसन्न होकर किसी कलापार की अंग्रेज अफसर ने उन्हें एक ही रात में जेलर बना दिया था। एक से एक भयानक डाकू खूंखार खूनियों के बूढ़े जवान और अधेड़ मुंडों को वे एक ही फंदे के झटके से पलक मारते ही निर्जीव लटका देते थे और इसी दानवी गुण ने उनकी पदोन्नति कराई थी। पर ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनमें कहां तक सच्चाई थी यह मैं नहीं कह सकती। पर एक बात अवश्य थी,
जल्लाद पांडे के कठोर चेहरे की ओर परसों तक उनकी पुत्री कुसुम की अंतरंग सखी होने के बावजूद मैं कभी आंख उठाकर नहीं देख पाई। उनकी बड़ी बड़ी घनी स्याह मूछें थीं, जिन्हें वे एक बड़े आईने के सामने खड़े होकर घंटों सवारते थे। इस दर्पण के विषय में भी एक बड़ी ही रोचक दंत कथा प्रचलित थी। किसी विधवा राजपूतनी के इकलौते युवा पुत्र को फांसी देने का भार हाकिम ने जल्लाद पांडे को ही विशेष रूप से सौंपा था। उस लंबे चौड़े युवक ने अपनी एक माह की ताजी पत्नी का मुंड गड़ासे से खटकाया था, पर स्वयं उसकी चौड़ी बैल सी गर्दन लटकाने के लिए किसी कुशल जल्लाद की आवश्यकता थी। उसी दिन जल्लाद पांडे जानबूझकर ही बीमारी का बहाना बनाकर घर बैठ गए, पर अंग्रेज हाकिम स्वयं उन्हें घर से खींच ले गए। उसकी विधवा सुंदरी माँ जल्लाद की मुंह बोली भाभी थी, और वर्षों से देवर भाभी का रहस्यात्मक संबंध प्रगाढ़तर होता चला आ रहा था। ये सब गोपनीय फाइल जल्लाद पांडे का अधेड़ नौकर हमारी बुआ के उदार उत्कोच से संतुष्ट होकर उन्हें न जाने कब सौंप गया था। अंग्रेज हाकिम का आदेश भला जल्लाद पांडे कैसे टालते। फंदा भी खिंचा और गर्दन भी लटकी। ठीक सातवें दिन दो नौकरों के सिर पर इस आदमकद शीशे को लदवा जल्लाद की भाभी ने उनके घर भिजवा दिया और स्वयं जाकर धड़धड़ाती पंजाब मेल के नीचे लेट गईं। दर्पण के नीचे रंगीन अक्षरों में खुदी दो पंक्तियां हमारे पूरे घर को रट गई थी। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में। पर जल्लाद पांडे नित्य नियम पूर्वक उन करुण पंक्तियों की अवहेलना कर अपनी घनी मूंछों के जटाजूट संवारते फिर उनके सस्वर दतौन क्रिया आरंभ होती। घंटों तक विचित्र आरोह अवरोह पूर्ण खांसी, खकार और खुरदे का क्रम चलता। लगता है पूरी जीव ही जड़ से उखाड़कर बाहर खींच देंगे। फिर किसी फौजी कमांडेंट के से स्वर में असंख्य आदेशों के मेघ गरजने लगते। बिट्टो चाय ला, बिट्टो अपनी हरामजादी अम्मा से कह हुक्का भर लाए, बिट्टो क्या आज तेरी नानी को मसान घाट ले गए हैं जो अब तक चूल्हा नहीं जला। लगता था जेलर के जीवन से अवकाश ग्रहण कर भी यह रूखा हृदयहीन व्यक्ति जेल के अनुशासन से अवकाश ग्रहण नहीं कर पाया है, जिस कर्कश जिह्वा के चाबुक कई कैदियों की पीठ पर पड़कर उन्हें तिलमिला देते थे, अब एक ही निरीह पीठ पर दिन रात ताबड़तोड़ पड़ते उसकी चमड़ी उधेड़ने लगे। कुसुम अब मेरे साथ स्कूल जाने लगी थी। जितनी देर हम साथ रहते उसके सहमे चेहरे की रंगत ही बदल जाती। सफेद रक्तहीन चेहरे पर स्वस्थ गुलाबी आभा बिखर उठती और वह पिंजरे से मुक्त ललमुनिया सी चहकने लगती। वह पढ़ने में बेहद तेज थी और गणित तो उसका प्रिय विषय था। न जाने कहां कहां से वह ड्योढ़ा और पौवा के अनोखे सूत्र रट लाती, और जब तक हम चक्रवर्ती अंक गणित की कठिन प्रश्नावली में उलझी पेंसिल का दतौन बनाकर चबाती रहती, वह भाग कर अपना हल किया प्रश्न अध्यापिका को दिखा आती। कक्षा में सदा सर्वप्रथम आने वाली सुंदरी नम्र बालिका स्कूल में प्रत्येक अध्यापिका का हृदय जीत कर बुलबुल सी चहकती रहती, पर घर निकट आते ही कुंभलाकर छुई मुई बन जाती। उसके घर पहुंचते ही जल्लाद पांडे की मशीन गन फिर दगने लगती। बिट्टो हुक्का भर ला, क्या घर भर की लकड़ियों में तेरी अम्मा अपने मायके वालों को आज फूंक आई है जो चाय ठंडी लाई है। हराम खोर नौकर को भी यार बना लिया है हरामजादियों ने। एक से एक सड़ी गली बदबूदार गालियों की असह दुर्गंध कभी कभी हमारे घर तक चली आती और अम्मा हड़बड़ाकर खिड़की बंद कर देती। शायद उसी असह दुर्गंध की घातक गैस ने ही कुसुम की अम्मा को घुटा घुटा कर 6 महीने में ही सचमुच मसान पहुंचा दिया। 7-8 दिन तक कुसुम के घर में अस्वाभाविक मूर्धनी छाई रही। जल्लाद पांडे ने क्रियाकर्म करने आए एक ब्राह्मण को झिड़क कर भगा दिया। मैं आर्य समाजी हूँ, इन ढकोसलों में मेरा विश्वास नहीं है, कह उन्होंने एक प्रकार से ब्राह्मण को बाहर ठेल ठूल कर सांकल चढ़ा दी। 8 दिन तक जल्लाद पांडे की खिड़की बंद रही। 9वें दिन खिड़की खुली और एक सुंदरी सजी धजी छरहरी युवती ने पच्च से पान का पीक थूक दिया। अचानक हमारे घर में खुसफुस होने लगी। वही है, बुआ जी कह रही थी। जल्लाद की साली, अम्मा ने पूछा, और कौन होगी, मेरठ में यही तो दिन रात बड़ी बहन की छाती पर मूंग दलने आ जाती थी। हरक सिंह बता रहा था,
दूसरे दिन कुसुम स्कूल आई और उसने समाचार की पुष्टि की। अब वह यहाँ नहीं पढ़ेगी, उसकी मौसी उसे लेने आई हैं। मौसी की ससुराल मेरठ में है, कुसुम अब वहां पढ़ेगी। उस रात को जल्लाद पांडे के कंठ का पुरुष मेघ बहुत दिनों बाद गरजा। मैं भी देख लूंगा कौन ले जाएगा बिट्टी को, नहीं पढ़ाना है उसे, समझी? चुप भी करो जीजा, चीखो मत। कुसुम की मौसी उसकी माँ की भांति चुप रहने वाली शांत गौ नहीं थी, यह उसके कंठ स्वर से ही स्पष्ट हो गया। क्या तुम पर हमारा इतना भी हक नहीं रहा अब? इस मोहक दलील के पश्चात शायद शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि दीवार से कान सटाने पर भी छोटी बुआ और अम्मा कुछ भी नहीं सुन पाई थीं। मुझे अलबत्ता एक करारी डांट पड़ी थी, तू क्या कर रही है यहाँ खड़ी खड़ी, जा सो जा। दूसरे दिन अपने संदेहात्मक अधिकार का स्वयं ही अनुमोदन कर कुसुम की सुंदरी मौसी उसे अपने साथ लेती गई। उसकी विदा ने उस मनहूस घर की मूर्धनी को और भी बढ़ा दिया। कभी कभी मुझे जल्लाद पांडे पर बेहद तरस आता, न उनका कोई मित्र था न आत्मीय है। हरक सिंह दोनों वक्त का खाना बनाकर एक साथ रख देता और अपने भाई के पास चला जाता। अब न जल्लाद पांडे चीखते न गालियां देते, गालियां देते भी किसे? दहकता अग्निकुंड अब शीतल जल की बावड़ी बन गया था। बिटिया, मेरी बिट्टो तुझे चिट्ठी डालती है क्या? बड़े लाड़ से वे मुझसे पूछते और प्रश्न के साथ साथ उनकी आंखें डबडबा जाती। मैं आश्चर्यचकित हो प्रश्न का उत्तर देना भी भूल जाती। क्या इन पत्थर की आंखों में भी आंसू छलक सकते हैं? कभी कभी जी में आता अपनी सखी के इस समाज द्वारा परित्यक्त पिता की ठंडी चिलम वैसे ही भर दूं जैसे उनकी बिट्टो भरा करती थी, या उनके पैरों के पास थोड़ी देर जाकर चुपचाप घुटनों में माथा डालकर बैठ जाऊं जैसे सहमी डरी कुसुम घंटों बैठी रहती थी। पर बुआ और अम्मा को कुसुम के साथ मेरी मैत्री फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। अच्छा हुआ खूनी की छोकरी से तेरा पल्ला छूटा, प्रायः ही बुआ कहा करती और मैं उदास हो उठती थी। कितनी भली थी कुसुम, और फिर उसके पिता यदि खूनी भी थे तो क्या दोष उसका था? कुसुम को गए 2 वर्ष बीत चुके थे, उसके पत्र नियमित मेरे पास आते रहते। उसके पत्रों की भाषा के सुघड़ सलीके से ही मैं अनुमान लगाती रहती कि चतुरा सुंदरी मौसी के सहवास में रहकर कुसुम अब सीधा पल्ला डाले झुककर चलने वाली कुसुम नहीं रही है। उसने मुझे अपनी एक तस्वीर भी भेजी थी जिसमें लंबी चोटी आगे लटकाए वह उल्टे पल्ले की साड़ी हाथ में लपेटे मुस्कुरा रही थी। एक घुंघराली लट प्रश्न के चिन्ह सी उसके स्फटिक से गौर ललाट पर अब भी ठीक वैसे ही झुकी थी जैसे हेयर पिन के बंधन तोड़ पहले भी झुकाती थी। कितनी लंबी हो गई थी कुसुम, और कितनी सुंदर, जैसे सुंदरी मौसी की जुड़वा बहन हो। यह तस्वीर मौसी के देवर तारी ने खींची है, इसी साल रुड़की से इंजीनियर बन जाएंगे, उसने लिखा था। फिर तो उसके हर पत्र में रुड़की के उस प्रतिभाशाली इंजीनियर का ही उल्लेख रहता। उसका रंग फिरंगियों सा गोरा है, उसकी पलकें लड़कियों से लंबी रेशमी हैं, उसके काले घने बालों को वह बीच से मांग निकाल कर संवारता है। उसकी चादरों और रुमालों में उसे टी लिखने का काम मौसी ने सौंपा है, और तारी को उसके कढ़े टी की सज्जा इतनी भाई है कि कहता गया है चादर फटने पर भी कढ़े टी को सहेज कर रख लेगा। मेरा माथा कुछ कुछ ठनकने ही लगा था कि एक दिन कुसुम की लंबी चिट्ठी आ गई। तारी से उसकी सगाई मौसी ने एक प्रकार से पक्की कर दी है। तारी ने उसी के सामने मौसी से स्पष्ट कह दिया है कि वह विवाह करेगा तो कुसुम से, अन्यथा आजन्म कुंवारा रहेगा। ऐसा बेशरम निकला तारी, वह तो मारे लाज से मर ही सी गई। मौसी ने बाबूजी को लिख दिया है उनके आने पर ही सगुन करेंगी मौसी, और फिर फागुन तक विवाह से भी निबट लेंगी। पहले मैंने सोचा भागकर अम्मा और बुआ को भी बतला दूं, पर फिर मैं रुक गई। मैं जानती थी कि जल्लाद पांडे से संबंधित किसी भी शुभ समाचार को सुनकर कुमाऊनी समाज प्रसन्न नहीं हो सकता। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, जल्लाद पांडे का कमरा अंधकार में डूबा था। दूसरे दिन उठी
तो कुसुम के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था। जल्लाद पांडे कहीं चले गए थे, तब मुझे क्या पता था कि जल्लाद स्वयं अपनी ही पुत्री की गर्दन नापने गए हैं। तीसरे ही दिन वे कुम्हलाई कमलनेसी कुसुम को लेकर अचानक लौट आए। 2 दिन तक अपनी बंदिनी सखी से मैं चेष्टा करने पर भी नहीं मिल पाई। तीसरे दिन जल्लाद पांडे अपनी पेंशन लेने कचहरी गए तो मैं छत पर भागी। कुसुम भी शायद मेरी ही प्रतीक्षा में खिड़की पर खड़ी थी। जल्दी जल्दी में उसने सब कुछ उगल दिया। जल्लाद पांडे ने भावी जमाता का खूब कसकर इंटरव्यू लिया और एकदम नापास कर दिया। कहने लगे, यह भी कोई मर्द है? मुट्ठी भर की कमर और एक ब्लश का सीना, हमें ऐसा बटेर सा दामाद नहीं चाहिए। बस मौसी से लड़ झगड़ कर कुसुम को खींच लाए। फिर तो जल्लाद पांडे का वर्षों का सुप्त क्रूर जेलर का व्यक्तित्व सजग हो उठा। कुसुम को उन्होंने कड़े अनुशासन की बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया। 2 बूढ़े मास्टर उसे आकर 2 बेला पढ़ा जाते। अपने एक दूर के रिश्ते की कानी बहरी विधवा बहन को भी उन्होंने कुसुम की देख रेख के लिए बुलवा लिया था। कभी कभी उसे बाजार से कुछ लाना होता तो मेरे साथ जाने की उदार अनुमति भी मिल जाती। पर इसी बीच मैं पढ़ने बाहर चली गई। जब गर्मी की छुट्टियों में घर आई और कुसुम से मिलने गई तो वह मुझसे लिपटकर सिसकने लगी। दांत भींचकर रुलाई रोक सदा आंसू घुटकने वाली साहसी कुसुम ऐसे क्यों बिखर गई? क्या बात है, क्यों रोती है कुसुम? अब तो हम 2 महीने एक साथ रहेंगी। मैंने उसे दिलासा दिया, पर उसके आंसू क्या मेरे लिए थे? तारी को गैलोपिंग टीबी हो गया है, वह सिसकती कहती जा रही थी। एक से एक अच्छे सैनिटोरियम है, पर उसने जिद की कि वह यहीं आएगा, जहां न ढंग का कोई डॉक्टर है न चिकित्सा की उचित व्यवस्था। वह जिस आशा से यहाँ आया है उसे मैं कैसे पूरा करूँ? बाबूजी क्या एक कदम बाहर रखने देते हैं? जैसे भी हो मुझे एक बार वहां ले चल। मैं अजीब पशोपेश में पड़ गई। यह ठीक था कि जल्लाद पांडे मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। कभी भी कुसुम को साथ ले चलने के लिए मैं कहती, उन्हें कभी भी कोई आपत्ति नहीं रहती। पर आज शेर की मांद में जाती भी किस दुस्साहस से? एक घटना स्वयं उन्होंने ही हमें शायद जानबूझकर ही सुनाई थी। उनकी जेल में एक कुख्यात डाकू देशपत आजन्म कारावास की सजा भुगत रहा था। अपने संत के से आचरण से उसने जल्लाद का हृदय ऐसा जीता कि उन्होंने उसके पैरों की बेड़ियां कटवा कर एक छल्ला डाल दिया। पर एक दिन आधी रात की गश्त में उन्होंने अपने उसी प्रिय विश्वासी कैदी को दीवार फांदने की चेष्टा में पकड़ लिया तो आप देखा न ताव, वही एक फायर से ढेर कर दिया। यह घटना सुनकर हम दोनों को घूर कर बड़ी देर तक मुस्कुराते रहे थे जल्लाद पांडे। कहीं मुझे भी विश्वास की दीवार फांदते देख लिया तो एक ही फायर से ढेर कर देंगे, यह मैं खूब समझती थी। पर फिर भी 2 भोली डबडबाई आंखों की निर्दोष व्यथा रह रहकर मेरा कलेजा कचोटने लगी। कहीं तारी इधर ही चल बसा, तब गैलोपिंग टीवी तो अपने नाम की सार्थकता निभाता, दुल की चाल से कूदता फांदता, रोगी को घातक सीढ़ियां कुदाता, बलि के बकरे सा घसीट ले जाता है। वह मैं सुन ही नहीं देख भी चुकी थी। मौसेरी बहन का जवान देवर 15 ही दिन में इसी भयानक रोग में तड़प तड़प कर चल बसा था। और गढ़वाल वाली मामी की बहन सरोजदी, वह तो बेचारी 12 दिन भी बीमार नहीं रही। सोचने या रोने धोने का समय था ही कहाँ। सबसे पहले तो अपने ही सनातन परिवार के अनुशासन के असंख्य हर्डल लांघने होंगे। कहीं भी जाना हो, पहले पितामह, फिर पिता, अम्मा, बुआ, एक एक से विभिन्न पासपोर्ट वीजा बनवाने पड़ेंगे। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या जाना जरूरी है? ठीक है, जाना ही है तो बड़ी दी की लड़की को साथ लेती जाओ या बुआ को, आदि आदि। पर बड़ी बहन की लड़की या बुआ, दोनों में से किसी को साथ ले जाना अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारना था। 12 वर्ष की बहनोती सुमन के मस्तिष्क में नई नई कल्पनाएं सदा जंगली हिरनी सी कुलांचे भरती रहती। जो घटनाएं कभी घट ही नहीं सकती थीं, उन्हें वह दिन रात घटाती, इधर उधर बघाड़ती फिरती। 12 वर्ष के शरीर में 24 वर्ष का परिपक्व उर्वर मस्तिष्क लिए हमारे चारों ओर चील सी मंडराती सुमन को
पहले यथेष्ट उत्कोच से हमने दूर खदेड़ दिया। छोटी बुआ को नियति स्वयं ही तड़के बिच्छू बनकर डस गई। अंगूठा पकड़कर वह कमरे में अलग बिसूर रही थी। इधर हमारी योजना भी प्रायः बन चुकी थी। अल्मोड़ा सैनिटोरियम जिन्होंने देखा है वे जानते ही होंगे कि ऐसे अरण्य में शायद ही संसार का कोई अन्य सैनिटोरियम हो। कई दुर्गम सकरी पतली मोड़दार सड़कों की कुंडलियां पार कर घने देवदार वृक्षों के घोड़े की नाल के आकार के बने झुरमुट के बीच बसे इस सैनिटोरियम में पहुंचने पर सुदूर पर्वत श्रेणी पर अल्मोड़ा के घरों की बत्तियां गुड़ियों के घरौंदों पर टिमटिमाती दीप शिखाओं सी लगती हैं। उतनी दूर आने जाने में ही हमें पूरे 2 घंटे लगेंगे, चाहे कितनी ही तेजी से क्यों न चलें। सैनिटोरियम से कुछ ही दूरी पर चितई का सुरम्य मंदिर था और उसी मंदिर दर्शन के बहाने हम दोनों जा सकती थी, पर साफ तो फिर भी किसी को ले चलना ही होगा। मेरी बुआ को तो बिच्छू ने डस दिया था। जरा भी बुद्धि होती अभागे में तो 2 कदम आगे बढ़कर कुसुम की बुआ को भी डस लेता। पर सोचने से ही क्या इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं? जिसका हमें भय था वही हुआ। कुसुम की बुआ मंदिर का नाम सुनते ही डलिया सजा चप्पल फटफटाती सबसे पहले खड़ी हो गई। जल्लाद पांडे ने साथ में अपना नौकर भी कर दिया। मंदिर दर्शन को तो हमें पहले जाना ही होगा, क्योंकि चितई के महा उग्र देवता गोल्ला देव के दरबार में झूठी गवाही नहीं चलती। यह हम दोनों के संस्कारी चित्त खूब समझते थे। अब एक ही उपाय था, कुसुम की बहरी कानी बुआ और नौकरों को पहले मंदिर ले चलेंगे। लौटते पथ में जानबूझकर ही या तो धीमी चाल के मंथर चातुरे से या तेज चाल से पगडंडियों का चकमा दे 4 अधेड़ टांगों को पछाड़ना होगा। मैं उसे सैनिटोरियम ले चलूंगी, पर एक शर्त थी कि वह घड़ी देखकर 15 मिनट में अपने प्रेमी से विदा लेकर चुपचाप लौट आएगी। कुसुम मान गई। इतवार की सुबह जब हम चले तो सूरज त्रिशूल की चोटी से झांक भर रहा था। एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी 2 मील की सड़क पार कर हमें सैनिटोरियम का गेट दिखा तो कुसुम की सांस तेज चलने लगी। लौटते समय बहुत तेज चलना होगा, फिर इसी छोटी पगडंडी से चलेंगे, वह फुसफुसाई। मंदिर के दर्शन कर औंधी पड़ी बहरी कानी बुआ जब शायद दयालु देवता से अपने कानों की श्रवण शक्ति और कानी आंख में ज्योति पुंज का वरदान मांग रही थी, हम दोनों बाहर आ गईं। हरिया, तू बुआ को लेकर आ जाना, हम रास्ते में मिल जाएंगी, समझा? बुआ तेज चल नहीं पाती और हमसे धीरे नहीं चला जाता, कुसुम ने कहा। उसके कहने का ढंग, मृदुल लोरी की थपकियां सा देता कंठ स्वर और मोहक मीठी मुस्कान का इंद्रजाल कुछ ऐसा था कि किसी को भी उस पर संदेह हो ही नहीं सकता था। 55 वर्ष का हरिया, जिसे उसके घाघ प्रभु ने हमारे साथ विशेष रूप से जेल वार्डन बनाकर भेजा था, उसी सात्विक मुस्कान के भुलावे में आ गया। हाँ हाँ लल्ली, हम मजे मजे में टहलते हुए आ जाएंगे, तुम दोनों चलो। एक प्रकार से रेस लगाकर ही हम दोनों हाँफती हाँफती पसीने से लथपथ शायद 20 ही मिनट में सैनिटोरियम के द्वार पर खड़ी थी। कुसुम को तारी ने अपने प्राइवेट वार्ड का पूरा नक्शा बनाकर भेज दिया था। वह मेरा हाथ पकड़ इधर उधर देखती, एक एक पेड़ लता गुलमों को पहचानती, ठीक उसी वार्ड में पहुंच गई। मैंने कई सैनिटोरियम देखे हैं, पर जो मनहूसियत और मरघट का सा सन्नाटा मैंने उस सैनिटोरियम के उस विशिष्ट प्राइवेट वार्ड में देखा, वह फिर आज तक कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता था कि वहाँ केवल ठंडी बयार के आसरे ही मरीजों को छोड़ सारे डॉक्टर और नर्स कहीं टहलने दूर निकल गए हैं। एक ढालू चोटी पर बना पथरीली छत का एक छोटा सा कमरा ही तारी का प्राइवेट वार्ड था। चारों ओर खिड़कियां ही खिड़कियां और आमने सामने खुले क्रॉस वेंटिलेशन वाले सैनिटोरियम के विशेष रूप से बनाए गए द्वार, जिन्हें मैंने लपक कर बंद न किया होता तो बड़े वेग से आता देवदारी हवा का तेज फव्वारा हमारी कांपती काया को शायद थोड़ी ही देर में उड़ाकर गैस के गुब्बारों की भांति दूर पटक देता। लोहे के स्प्रिंगदार पलंग पर मुर्दे सा अवश पड़ा एक कंकाल अचानक हिलडुल उठा। सफेद रक्तहीन चेहरे और उदास निमग्न नयनों में आनंदानुभूति की विद्युत वही चमकी, साथ ही उसने 2 सीख सी बाहें फैला दी। पागलों की भांति कुसुम उससे लिपट गई। इतना ही मैंने देखा, फिर खिसियाकर मैं बाहर निकल गई। हाय, यह मैं क्या कर बैठी।
आकस्मिक उत्तेजना रोग की ऐसी अंतिम अवस्था में कभी कभी एक ही रक्त वमन के रूप में रोगी के प्राण भी ले सकती है, और फिर अचानक किसी डॉक्टर या नर्स ने हमें पकड़ लिया तब कैसे लिपट गई थी अभागी उससे। क्या उसे इस रोग की छूत का भी डर नहीं रहा? कुसुम की लंबी सिसकियां, तारे के डूबते क्षीण कंठ स्वर का आश्वासन, दुलार भरा प्रलाप और सीमित समय के एक एक पल का अवसान मेरी हड्डियों को सिहरा उठा। 10, 20 और 25 मिनट बीत गए। मैंने बड़े अधैर्य से हाथ की घड़ी देखी, कई बार नकली खांसी का अलार्म बजाया, पत्थर के फर्श पर चप्पलों की स्केटिंग की, पर प्रेमी द्वय की युगलबंदी एकदम ही शांत रही। क्या दोनों को आकर कोई विषधर सूंघ गया है? क्या कुसुम भूल ही गई है कि मैं फांसी का फंदा गले में डाले बाहर खड़ी हूँ? मेरा धड़कता कलेजा स्वयं मेरे ही कानों में हथौड़े पीटने लगा। कहीं कुछ हो तो नहीं गया तारी को? मैंने हड़बड़ाकर द्वार से झांका और कटकर पलट गई। अपने कुंवारे जीवन में ऐसे विलक्षण प्रेम नाटक की अंतरंग रसपूर्ण झांकी पहली बार देखकर लज्जा मुझे सीधे रसातल में खींच ले गई। बरामदे में पड़ी एक काठ की बेंच को थाम मैंने अपने थरथराते शरीर को साध लिया। हड्डियों के ढांचे के कंधे पर माथा धर कुसुम उसी का कंबल ओढ़े ऐसे लेटी थी जैसे घर लौटने की सुध, जल्लाद की अंगारे सी तपतपाती आंखें, अब तक मंदिर से निश्चय ही लौट चुकी बुआ का अस्तित्व सब कुछ भूल गई हो। कुसुम, मैंने अधैर्य से पुकारा, कोई उत्तर नहीं आया। कुसुम, खीज भरे स्वर में पुकारती मैं फिर भीतर गई। अब वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या अपने साथ मुझे भी मरवाएगी? मैंने उसकी कलाई पकड़कर जोर से मसल दी। मन ही मन मुझे उसके अविवेक और बचकानी बुद्धि पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी तरल आंखें मेरी ओर उठाई और मेरे तमतमाए चेहरे पर जड़ दी। एक ही पल में क्या उसे बिस्तर पर इस अमानवीय प्रेत ने हिप्नोटाइज कर दिया था? ठीक ही तो कहा था जल्लाद पांडे ने, उसके हाथ में कुसुम का हाथ देने से तो अच्छा था मरघट के किसी मुर्दे से उसके फेरे फिरवा दिए जाते। चल घर, मैंने उसे खींचा तो तारी ने बड़ी विवशता से एक बार फिर दोनों बाहें शून्य में फैला दी। मैं रोती सिसकती कुसुम को अपनी पूरी शक्ति से घसीटती बाहर खींच ले गई, पर उन दो पीड़ित आंखों की व्यथा, शून्य में फैली दो पतली बाहें आज इतने वर्षों तक निरंतर मेरा पीछा करती रही हैं। हमारे सौभाग्य से कानी बुआ के पैर में हल्की मोच आ गई थी और लंगड़ाती बुआ को हमने पहले ही मोड़ पर पकड़ लिया। मार्ग भर कुसुम गुमसुम रही। दूसरे दिन उसे तेज बुखार आ गया। मैं उसे देखने गई तो वह मुंह फेर कर रोने लगी। अच्छा होता मैं वहीं मर जाती, तब तेरा कलेजा भी ठंडा होता और बाबूजी का भी। उसका तीव्र ज्वर और प्रलाप मुझे सहमा गया। क्या पता अभागी उस प्रेत के रोग की छूत साथ में लेती आई हो। कैसे मुंह से मुंह मिलाए सो रही थी बेशरम। उस भयानक मुर्दे की कैसे विकट बेताल की सी आंखें थी और ठक ठक करती भयावह खांसी। पर दूसरे ही दिन कुसुम का बुखार उतर गया। उसका सूखा चेहरा देखकर मैं उसके भविष्य के लिए अत्यंत चिंतित हो उठी थी। तारी के प्राण उस खटारे से ढांचे में बहुत हुआ तो शायद 10 दिन टिकेंगे या 20 दिन, फिर यह अभागी उस धक्के को कैसे सहेगी? मैं मन ही मन असंख्य मनौतियां मनाने लगी। जो कुछ भी होना है मेरी छुट्टियों की समाप्ति के पहले ही हो जाए, जिससे मैं उसे अपनी मैत्री का सहारा तो दे सकूं। पर मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और नित्य तारी की मृत्यु का समाचार सुनने को बड़ी तत्परता से खड़े मेरे कर्ण द्वय खड़े ही रहे। जिस दिन मैं बोर्डिंग पहुंची उसी दिन कुसुम की चिट्ठी आई, तारी को लेकर उसके मौसा लाहौर चले गए हैं। अब वहीं किसी ऐसे सिद्ध पीर का इलाज करवाएंगे जो अब तक कई असाध्य रोगियों की अचल नाड़ियों को स्पंदित कर चुके हैं। तो क्या आज मेरे सम्मुख उसी पीर का चमत्कार बैठा मुस्कुरा रहा था? उस चिट्ठी के बाद फिर कई महीनों तक कुसुम की कोई चिट्ठी नहीं आई। तारी को जिस अवस्था में मैं देखकर आई थी उससे ही मैंने अनुमान लगा लिया कि अब संसार का कोई सिद्ध से सिद्ध पीर भी उसे मृत्यु पथ से लौटा नहीं सकेगा, और शायद उसी चोट से तिल मिलाकर कुसुम गतिहीन पड़ी होगी। पर अपने आमोद प्रमोद के बीच भी मैं उसकी डबडबाई आंखें, जल्लाद पांडे की चीख पुकार, शून्य में फैली दो सीख सी बाहें चेष्टा करने पर भी नहीं भूल पाती।
एक बार उसे फिर से उन निर्जीव बाहों के अशक्त घेरे में सिमटने देती तो कौन सी अनोखी देर अबेर होती। अब क्या तारी परलोक पहुंचकर भी मुझे क्षमा कर सकेगा। इसी बीच एक दिन अम्मा की चिट्ठी आ गई। कुसुम की चट मंगनी और पट बिहार रच दिया था जल्लाद पांडे ने। लंबा चौड़ा पहलवान दामाद न जाने कहां से ढूंढ लाए थे। चल अब तेरी सहेली जल्लाद पिता के पंजे से तो छूटी, अम्मा ने लिखा था। पर तब कौन जानता था कि बेचारी कुसुम खाई से निकलकर खंदक में कूदने जा रही है, जैसे बीसियों मीन में एक निकाल ठोक पीट कर सौदा करने वाला चतुर ग्राहक ही अधिकतर ठगा जाता है। ऐसे ही जल्लाद पांडे भी बुरी तरह ठगे गए। बाहर से देखने में लौह पुरुष सा जमाता, भीतर से एकदम ही खोखला निकला। कैसी भयानक घातक फूल कर बैठे थे जल्लाद पांडे। पुत्री के संभावित वैधव्य के भय से उन्होंने जिस दुबले पतले जमाता को नापास कर दिया था, उसके स्वास्थ्य को देखकर आज भी भूख भागती थी और जिस ऊंचे अगले गबरू जवान के पुष्ट पौरुष के मजबूत तने से उन्होंने पुत्री की अहिवात डोर को खूब कसकर बांध दिया था, वही तना एक ही झटके में जड़ से उखड़कर रह गया। उन दिनों ही अक्षमा के मत दानव के प्रलयंकर नर्तन से कुमाऊं की समग्र धरणी कांप रही थी। शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जहां से इस घातक रोग के रोगी की एक आध अर्थी ना उठी हो। अधिकांश मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवारों में न इस राज रोग की दामी चिकित्सा की व्यवस्था थी, न परहेज, न इस युग की मृत्युंजयी औषधियां। प्लेग की मारात्मक गिल्टियों की ही भांति इसकी खांसी जिस किसी भाग्यहीन की पसलियां खटखटाती, वह स्वयं ही सहम कर आसन प्राय मृत्यु की घड़ियां गिनने लगता। जल्लाद पांडे के चौरस काठी के दामाद को भी इसी रोग ने चाट चूट कर 6 ही महीने में साफ कर दिया। कुसुम को उसकी मौसी एक बार फिर लड़ झगड़ कर अपने साथ पढ़ाने से उठा ले गई हैं। यही उसका अंतिम समाचार मुझे अम्मा ने दिया था। कई वर्षों बाद मुझे अचानक कुसुम एक मंदिर में मिली। अब वह अध्यापिका बनकर गर्भ्यांग चली गई थी और पिता की बरसी कर गया से लौट रही थी। बुद्धिमती पुत्री शायद जानती थी कि असंख्य प्राणियों की हत्या के भार से दबी उसके पिता की अभिशप्त आत्मा को केवल गया का पिंडदान ही शांति प्रदान कर सकता था। न उसके हाथ में चूड़ियां थीं, न गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला। एक सादी इकलाई की मर्दानी कन्नी की साड़ी और मोटा खुरदरा पहाड़ी हाथ करगे का महाबदसूरत शॉल। फिर भी उस कमनीय लुभावने चेहरे का तेजोमय सौंदर्य देख कर मैं दंग रह गई। कौन कहता है कि कुमाऊं की रमणियों का सौंदर्य क्षणिक होता है, वयस के साथ साथ वे अनाकर्षक होती जाती हैं। कुमाऊं गजेटियर में किसी मूर्ख विदेशी ने ऐसा ही कुछ लिख मारा है। आज वह जीवित होता तो उसे प्रभा कुसुम के सम्मुख खड़ा कर देती। न एक बाल सफेद, न चिकने चेहरे पर एक झुर्री, वही सतर चाल, संयमित जीवन, संयमित स्मित और शांत स्निग्ध चितवन। यह निश्चय ही दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो वास्तव में सुंदर है उसे किसी सुंदर आभरण या भड़कीले वसन की आवश्यकता नहीं रहती। सुंदरी केले का पत्ता लपेटकर भी खड़ी रहे तब भी वह सुंदरी ही कहलाएगी। फिर सुंदरी कुसुम का सौंदर्य तो पुरानी शराब का सा सौंदर्य था जो अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ और अधिक मादक होता चला जाता है। आज उसी आसक की एक घूंट के पीने वाले को फिर झुमा देगी। एक बार जी में आया साहस कर पूछ ही क्यों ना लूं। क्या आप कभी अल्मोड़ा के सैनिटोरियम में थे? क्या आपसे मिलने कभी दो लड़कियां आई थीं? क्या आप कभी लाहौर के किसी पहुंचे पीर से डोरा बंधवाने गए थे? पर मेरे सारे मूक प्रश्न मेरे ही कंठ प्राचीर से टकरा टकरा कर मेरे ही पास बूमरैंग की भांति लौट आए। मेरा ठा गया था। मेरा कलेजा फिर एक बार कानों में वैसे ही हथौड़े पीटने लगा जैसे वर्षों पूर्व अल्मोड़ा के सैनिटोरियम में पीट उठा था। देखूं कुसुम पहचानती है या नहीं। पर जिसके सिर से पैर तक बदल गए व्यक्तित्व को पहचानने में मुझे पूरे 7 घंटे लगे थे, उसे क्या कुसुम 20 मिनट में पहचान लेगी? और कुसुम को क्या मैं नहीं जानती? वह क्या कभी आंख उठाकर भी किसी पुरुष की ओर देखती है? खच से बस रुकी। हाथ में एक टोकरी लटकाए सामने खड़ी कुसुम मुस्कुरा रही थी। सफेद कश्मीरी सिल्क की साड़ी पर काला शॉल, कफनी सा सिर पर लपेटे वह किसी कॉन्वेंट की तापसी नंसी लग रही थी। तेरे लिए आलू की कचौड़ियां बनवा कर लाई हूँ,
चल उतर नीचे, उस मेज पर बैठकर एक साथ खाएंगे। मैं नीचे उतरी। उतरते उतरते मैंने कनखियों से बगल की सीट की ओर देखा। कितने ही यात्री उतरे। बस की छत पर उतरने वाले यात्रियों के बक्स, बिस्तर बड़ी बेरहमी से खींचे, पटके और सरकाए गए। किसी का बच्चा चीखा, किसी को खांसी का विकट दौरा पड़ा, पर कुंभकर्णी बेशरम जोड़ा सिर से सिर भिड़ाए बेखबर सोता रहा। जी में आया, अब हगे तारी को चलते चलते एक ठोकर मारकर जगाती जाऊं। कुसुम ने भी शायद दोनों को देख लिया है। छोटे से अधरपुट सामान्य स्मित की क्षीण रेखा में खिंच गए। हाय कैसी नींद है दोनों की। मैं उतरी तो उसने कहा, और जोड़ी भी कैसी है, एकदम दिन और रात। मेरा दिल डूब गया। स्पष्ट था कि कुसुम ने उसे नहीं पहचाना। वह हंसती मुझे सामने की मेज पर खींच ले गई। टोकरी खोलकर उसने कचौड़ियां निकाल ली और बड़े उत्साह से एक एक कर स्टील की कटोरियों में सजा सामान निकालकर मेरे सम्मुख धरने लगी। ले, फाड़ी आम का अचार खास तेरे लिए लाई हूँ। मुझे पता है तुझे तेल का अचार नहीं भाता। याद है मौसी के हाथ के डले अचार की फाड़ियां मैं तेरे लिए बस्ते में छिपा छिपा कर लाती थी। बस मौसी के हाथ के डले आम की यह आखिरी किस्त बचाकर धर ली थी तेरे लिए। कुसुम का स्वर उदासी में डूब गया। मुझे पता था कि उसकी एकमात्र स्नेही आत्मिया सुंदरी मौसी गत वर्ष कैंसर में तड़प तड़प कर चल बसी थी। शायद इसी गर्मी में मेरा तबादला हो जाएगा। अरे यह क्या, तूने तो अब तक एक गस्सा भी नहीं तोड़ा, उसने चिंतित स्वर में पूछा और मैं चौंकी। मैं क्या खाक खाती, हर गस्सा गले में बुरी तरह अटका जा रहा था। गज भर की दूरी पर खड़ी बस की सामने की सीट का जोड़ा जग कर कबूतरों की सी गुटरगूं कर रहा था। क्या देख नहीं पा रहा होगा इसे, और कुसुम वह अब क्या पहचानेगी जब सामने खड़ी रहकर ही नहीं पहचान सकी। वह पहचाने ना पहचाने, एक बार निकट आने पर तारी अवश्य ही उसे पहचान लेगा। वह क्या तिलमात्र भी बदली थी। हमने खा पीकर हाथ मुंह धोया, टोकरी में खाली कटोरियां समेटी। तू चल, मैं तेरे लिए मीठा पान लगवा कर लाती हूँ। तुझे मीठा पान बहुत पसंद था ना। वह हंसी, और सब कुछ याद है मुझे, कहती पान की दुकान की ओर लपक गई। मैं मरे मन से हाथ में टोकरी लटकाई बस की ओर चल दी। सब छोटी छोटी नगण्य घटनाएं तो याद है तुझे, मैं मन ही मन भुनभुनाने लगी। तब अपने जीवन की सबसे प्रमुख घटना को क्यों भूल गई है कुसुम, गौर से देख तो सही। क्या यह सुंदर चेहरा कहीं देखा है, याद नहीं पड़ता। स्वयं सुपारी खाकर दो बीड़े उसने बस की खिड़की से मेरे हाथ में थमा दिए। क्यों, तू नहीं खाएगी क्या, अपने मूर्खतापूर्ण प्रश्न को पूछते ही मैं स्वयं कटकर रह गई। क्या मैं भूल गई थी कि कुसुम विधवा है और मैं पान नहीं खा सकती। नहीं, मैं पान नहीं खाती, बड़े संयत स्वर में बिना किसी झिझक के ही कहती वह मेरी खिड़की से तनिक हटकर खड़ी हो गई। अंतिम सीटी बजाकर ड्राइवर ने गाड़ी का भरभराता इंजन चालू कर लिया था। बस छूटने ही को थी। कुसुम, तबादले से पहले नैनीताल जरूर आना, तार कर देना, समझी। मैं तुझे लेने काठ गोदाम आ जाऊंगी। जानबूझकर ही मैंने कंठ स्वर को खूब ऊंचा कर उसके नाम की लंबी मीन खींची। अच्छा कुसुम, सामने की खिड़की पर खड़ी कुसुम सी सुंदरी स्त्री की ओर बस यात्रियों की दृष्टि स्वयं ही बड़ी स्वाभाविकता से उठ गई होगी, यह मैं मन ही मन समझ गई थी। पर फिर भी बस के चलते ही मैंने किसी अनुभवी चतुर्वैद्य की दृष्टि अपने दूसरे रोगी के चेहरे पर जमा दी। उसके होठों में दबी सिगरेट कांप रही थी। क्षण भर पहले का किसी रोहिले पठान का सा सुर्ख चेहरा पल भर में जर्द पड़ गया था। वह तारी ही था। बस की गति तेज हो गई। विवियन को खिड़की की ओर बिठाकर वह मेरी ओर क्यों खिसकाया मैं समझ गई। धीरे धीरे विवियन का तरबूज का सा सिर एक बार फिर नींद के झकोले में इधर उधर घूमने लगा। क्षमा कीजिएगा, वह मेरे पास आकर फुसफुसाया, मुझे बड़ी देर से लग रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। क्या आप कभी अल्मोड़ा में थीं? मैंने देखा वह बेहद घबराया सा अपनी लंबी टेपरिंग उंगलियों से अपने घुटनों पर पियानो सा बजा रहा था। जी हाँ, मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया। आप, वह फिर हकलाने सा लगा तो मुझे तरस आ गया। जी हाँ,
मैं ही कुसुम के साथ आपसे मिलने सैनिटोरियम आई थी। अपनी दृष्टता पर मुझे अब आश्चर्य भी होता है। मान लीजिए वह तारी नहीं होता, तब क्या इस विराट विश्व में एक ही चेहरे मोहरे के, एक ही नाम के तो विभिन्न व्यक्ति नहीं हो सकते? उसने क्या मुझे पहचान लिया? कांपते स्वर में यह प्रश्न पूछकर वह पसीने से तर हो गया। उस प्रश्न में कौतूहल था या आशंका, मैं समझ नहीं पाई। नहीं, मैंने उसी धीमे स्वर में प्रत्युत्तर दिया जिसमें प्रश्न पूछा गया था। शायद यही वह चाहता भी था। फिर वह एक शब्द भी नहीं बोला। दिल्ली निकट आते ही उसकी काली कोयल टहूकने लगी। देखो डार्लिंग, यहाँ बिजली से मुर्दे जलाए जाते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, जैसे बिजलियों से जगमगाता छोटा सा जहाज हो। मैं मरूं तो मुझे यही जलाना। बड़ी निर्लज्जता से उसने फिर तारी के कंधे पर अपना माथा टिका दिया। पर वह तो अपने कल्पना लोक के वर्षों पूर्व के मरघट में पहुंच गया था, जहाँ ढालू पथरीली छत के नीचे स्प्रिंगदार लोहे के पलंग पर उसकी 18 वर्ष की प्रेमिका अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर उसकी छाती से लगी किसी निर्दोष बालिका की सी नींद में डूबी पड़ी थी, जो उस मरघट से भी उसे अमृत की एक ही घूंट पिलाकर इतनी दूर लौटा लाई थी। वह अचानक स्वयं कहां भटक गई? उसी को पाने के लिए तो वह अमानवीय संकल्प से जी उठाता शायद। दिल्ली आते ही बस रुक गई। बड़े साहस से इधर उधर देखता वह एक बार फिर मेरी ओर बढ़ा। क्या वह मेरठ में ही रहती हैं? मैं कुछ उत्तर देती इसके पहले ही विवियन हमारी ओर बढ़ाई। क्या तुम इन्हें जानते हो? वाह, यह भी खूब रही, इतनी देर एक साथ बैठे रहे। अब चलने का समय आया तो पहचाना। उसके स्वर के व्यंग, ईर्ष्या और ओछे स्वभाव को मैंने पल भर में भांप लिया। वह निश्चय ही उन स्त्रियों में से थी जो अपने पति को अन्य किसी स्त्री से बातें करते देख दुनिया भर की उलझुल बातें सोचने लगती हैं। ये भी पहाड़ की हैं विवियन, और मैं इनसे अपने एक बहुत पुराने खोए मित्र के बारे में पूछताछ कर रहा था, शायद उसका कुछ अता पता बता सके। तारी का स्वर एकदम ठंडा और शांत था। ओह, विवियन के स्वर की खीज छिप नहीं सकी। कौन सा ऐसा प्रिय मित्र है जी तुम्हारा? मुझे तो तुमने कभी नहीं बताया। तो क्या हुआ, कुछ पता लगा प्रिय मित्र का? नहीं, तारी ने कहा और अनमना सा सामान उतरवाने लगा। सामान के साथ दोनों टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़े तो तारी ने मुड़कर एक बार बड़ी विवशता से मेरी ओर देखा। उसी विवश दृष्टि के मूक संदेश ने मेरे पैरों में बेड़ियां सी डाल दी। मुझे लगा जैसे वह कह रहा हो, जाना नहीं, मैं अभी लौटकर उसका पता पूछूंगा। मैं बड़ी देर तक अजमेरी गेट के उस बस स्टैंड पर उसका इंतजार करती रही, पर वह नहीं लौटा। इंतजार तो मैं अब भी कर रही हूँ, शायद वह कभी मुझसे अपने खोए प्रिय मित्र का अता पता पूछने फिर लौट आए। शायद अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी शायद, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं यह भी बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।